सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक औषधियाँ और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कस्तूरी भैरव रस के बारे में। दोस्तों ये जो कस्तूरी भैरव रस है ये बैद्यनाथ कंपनी का आता है और ये स्वर्णयुक्त औषधि है। इसका रेट 560 रुपये है और ये 10 टैबलेट में आता है और ये 5 टैबलेट में भी आता है। ये रेट जो है समय के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, ये किन किन रोगों में काम करता है, किन किन औषधियों के मिश्रण से इसको बनाया गया है और क्या इसका अनुपात है, ये सभी बातें आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसमें कौन कौन सी औषधियाँ मिलाई गई हैं। इसमें एक कस्तूरी है, जैसा कि इसका नाम से भी पता लगता है कि कस्तूरी भैरव रस। तो इसमें कस्तूरी है, कपूर है, ताम्र भस्म है, दाय के फूल, केवाच के बीज, रौप्य भस्म जिसे हम चांदी भस्म के नाम से भी जानते हैं, स्वर्ण भस्म और मोती पिष्टी, प्रवाल भस्म, लोहो भस्म, पाठा, वायविडिंग, नागरमुथा, सौंठ, खस, शुद्ध हड़ताल, या इसकी जगह अगर कोई बनाना चाहे अपने आप से तो माणिक्य रस भी इसमें इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ साथ अबरक भस्म, आंवला, ये औषधि इसमें मिलाई गई हैं और सभी औषधियों को जो है वनस्पतियों का जो ये सभी चीज़ें हमने बताई इसमें सभी को सूक्ष्म पाउडर बना लिया जाता है, फिर उसमें भस्म में मिलाकर इसको आग के पत्तों के रस से दो दो दिन तक मर्दन यानी घुटाई इसकी की जाती है और घुटाई करने के बाद इसकी जो है फिर से बाद में जो है कस्तूरी और कपूर डालकर एक एक दिन फिर इसकी घुटाई होती है आग के पत्तों के रस के साथ। और इसको घुटाई करने के बाद इस तरीके से इसकी एक एक रत्ती की यानी जो 1 ग्राम होता है उसका 8वां भाग, 1 ग्राम का 8वें भाग की इसकी एक एक रत्ती जिसे हम कहते हैं उसकी गोलियां बनाकर रख ली जाती है। तो इन गोलियों को जो है छाया में सुखाया जाता है और ये सुरक्षित कर ली जाती है। ये बनाने का इसका प्रोसेस है, अगर आपको पूरा जानना है ये पूरा जो इसका विधि है शास्त्रोक्त तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप इतनी अच्छे से नहीं बना पाएंगे जितनी अच्छे से आपको ये बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी और ये बहुत ही आसानी से बाज़ार में मिल भी जाती है। ये बैद्यनाथ कंपनी की है, हमारे पास और भी कंपनी की आती हैं लेकिन मैं बैद्यनाथ की जो औषधि हैं उनको विश्वसनीय मानता हूँ। तो चलिए जान लेते हैं इनके गुणों के बारे में। तो दोस्तों ये जो कस्तूरी भैरव रस है इसमें एक कस्तूरी भैरव रस सादा भी आता है और इसके गुणों की बात करें और इनके प्रयोग से जैसे शीतांग होता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है, ऐसे ऐसे रोगों में इसके साथ साथ शीतांग के साथ पसीना आदि का आना, जैसे कमजोरी में कभी कभी ऐसा होता है कि ठंडा पसीना या पसीना अधिक आना, इस तरीके के रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। संन्यपात ज्वरों में भी इसका जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इसको अगर प्रयोग करते हैं तो ये शरीर के बल को बढ़ाता है और नाड़ी क्षीणता जिसे कहते हैं, नाड़ी की कमजोरी जिसे कहते हैं, उसमें इसका प्रयोग काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ है और ये सब प्रकार के बुखारों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। बुखारों के साथ साथ इसके साथ और भी अगर औषधियाँ मिलाकर ऐड करके और इसको लिया जाता है तो और भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि जयमंगल रस आप इसमें मिला सकते हैं लेकिन ये आप वेद के सलाह से ही करें और जो भी आप औषधि लें वो वेद के सलाह से ही लिए। इसके और गुणों की बात करें तो ये इन रोगों के साथ साथ ये
सफ़ेद कलर की जो उल्टी होती है, जिसे श्वेत वमन के नाम से भी जानते हैं, ऐसी उसमें और सफ़ेद दस्त या पतले दस्त इन रोगों में भी ये काम करता है और ये मूत्रावरोध को भी ठीक करता है। इसके साथ साथ ये जैसे बीमारी के कारण आंखें धस गई है, नाड़ी जो है बिल्कुल शीतल पड़ गई है, क्षीण हो गई है, कमजोरी बहुत आ गई है, ऐसी अवस्था में इसका प्रयोग बहुत ही अच्छा है और ये जो है पूरा शरीर को रिकवर करता है और उसको बल प्रदान करता है, रोगों को शरीर से बाहर निकाल फेंकता है। जैसे नाड़ी की क्षीणता, तंद्रा, ऐसे ऐसे रोगों में काम करता है और इसके साथ साथ ये वात पैतिक, जो वात के द्वारा हमारे शरीर में रोग आते हैं तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। पित्त, कफ, ज्वर, इन सभी में ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ ये जो बुखार ज़्यादा अधिक डिग्री के हो जाते हैं, जैसे कि 104 या 105 डिग्री तक अगर बुखार पहुंच जाए और उसमें मूर्छा आदि आने लगे तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से जो है प्यास ठीक होती है, जैसे प्यास अधिक लगना और कांस हो जाना, इस तरीके के लक्षणों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ज्वर का विराम न होकर अगर ज्वर जो साधारण नहीं होता और जो बहुत ही भयानक ज्वर होते हैं, जिन्हें ऐसे कह सकते हैं कि आप दिमागी बुखार है या बहुत ज़्यादा डिग्री के जो बुखार है, उसमें विशेषकर इसका प्रयोग किया जाता है। इसको जयमंगल रस के साथ अगर आप लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन योग यह बनता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप इस योग को अपने आप से ना ले, किसी जो है चिकित्सक की सलाह से ही इसका प्रयोग करें। ये जो जयमंगल रस है ये आपको सभी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसके साथ साथ ये मलेरिया, जैसे वैसे मुझे अलग अलग बताने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि मलेरिया के जो लक्षण होते हैं वे अलग होते हैं, उसमें औषधि अलग दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ और एक जयमंगल रस के बारे में मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ, उसकी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। जयमंगल रस जो है और ये कस्तूरी भैरव रस, ये सभी तरह के बुखारों में काम करता है। मलेरिया हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे अन्य कोई टाइफाइड वगैरह, कुछ भी कैसा भी बुखार हो, ये सभी में काम करते हैं। और इसके साथ साथ ये शरीर का अगर अचानक से तापमान बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में जो है शरीर कमजोरी सी महसूस करता है या शरीर गिरा रहता है, तो ऐसी अवस्था में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ ये शीतांग, सन्निपात आदि जोरों में तो काम करता ही है, साथ ही साथ ये खांसी और पार्श्वशूल नाड़ी की क्षीणता में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसको निमोनिया के रोगों को भी दिया जाता है और ये जो है रसायन एक प्रकार के शरीर की पूरी तरीके से रक्षा करता है और शरीर के बल को बढ़ाने का कार्य भी करता है। इसमें स्वर्ण भस्म होने के कारण ये बहुत ही जल्दी प्रभावशाली होता है, शरीर में इसका रिजल्ट काफ़ी जल्दी देखने को मिलता है। इसका प्रयोग आप जो है एक एक गोली सुबह शाम दूध या जो गिलोय रस है उसके साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप थोड़ा फ्रेज भी रखें तो ज़्यादा बेहतर है और वैद्य के निरीक्षण में ही इसका प्रयोग करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और इस जानकारी को शेयर भी करें ताकि और भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अगर आपको किसी भी औषधि की या जड़ी बूटी की आवश्यकता है और आपको नहीं मिल रही है तो आप हमसे संपर्क करके मंगा भी सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी ये भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम भविष्य में भी ऐसी और भी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए
हंसते रहिए और हंसाते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।